तक मैंने आपको जर्नीज दिखाई, आपके सामने ट्रैवल गाइड भी आई, और अब बारी है आपके सामने एक पूरा डेडिकेटेड हॉस्टल व्लॉग। एंड दिस हॉस्टल इज़ वेरी स्पेशल, क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपीरियंस करने को कैप्सूल हॉस्टल। यस, तो अगर आप लंदन घूमने आ रहे हो, दिस व्लॉग इज़ स्पेशली फॉर यू। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पसंद हैं, होटल्स पसंद हैं, हॉस्टल्स पसंद हैं, और अगर आप कैप्सूल में कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये वाला व्लॉग आपके लिए है। पूरा व्लॉग देखिएगा, सब कुछ इसमें आपको दिखाने पे। कभी कभी तो देखिए ऐसी लाइट आती है, कहीं भी खड़े होकर व्लॉगिंग करनी पड़ती है। यही है ट्रैवल व्लॉगिंग, यही है थ्रिल, और यही है एडवेंचर। देख रहे हो पीछे, दिस इज़ द हॉस्टल जिसमें आज मैं स्टे करने वाला हूँ। टाइम टू चेक इन। रूम नंबर मेरे को दिया है, दिस इज 102। आपको बता दूँ इस वाली प्रॉपर्टी में अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट जो कैटेगरी मैंने ली है आपको दिखाने के लिए वो है कैप्सूल। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लैंड आ रहे हो, यहाँ पर हॉस्टल्स होटल्स में चेक इन चेकआउट का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 2 बजे का चेक इन मतलब 2 बजे चेक इन ही मिलेगा। अब उससे पहले बेड अवेलेबल है नहीं है डज नॉट मैटर। और आप टेम्परेचर देखो, आप डिफरेंस देखिए, बाहर इतनी ठंड है, मतलब बाहर आप कहोगे हुडी वगैरह पहन रखिए, और आप अंदर आ गए तो यहाँ हो गई गर्मी। और यहाँ के हॉस्टल्स में ना आपको फ़ैन मिलेगा, ना आपको एसी मिलेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये है यूके, ये 102, और आई गेस देखो अगर आप देखोगे 109-111 रूम्स, वो अलग कैटेगरी के रूम्स हैं। बट मेरा मकसद इस वाले व्लॉग में आपको पूरा ये कैप्सूल होटल दिखाना है। तो जितने भी टूरिस्ट हैं सब आ रहे हैं, अब चेक इन का टाइम हो गया है, तो सब एक एक करके हाउ आर यू, तो सब एक एक करके चेक इन करेंगे। टूर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अगर आप इंग्लैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो, आपको मिलेंगी बेस्ट फ्लाइट्स एंड सिमिलर होटल्स। तो किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स एंड इंडियन कस्टमर्स के लिए IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। यहाँ से आपके लिए पूरा विस्तार डिटेल्स में, अब कैप्सूल रूम टूर शुरू होने जा रहा है। आप देखिए यह है टोटल कैप्सूल, आपको बता दूँ इस वाले रूम में टोटल 26 कैप्सूल्स हैं। पहले आपको यहाँ दिखा दूँ, ये इस तरफ आपके लिए मिरर हो गया हैंगिंग का, आप देख सकते हो। टावल्स बता दूं, टावल्स इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, आई गेस ये कुछ 2 pounds चार्ज करते हैं फॉर टावल्स। यहाँ पर आपको लॉकर्स दिए गए, आप देख सकते हो बेड के नंबर के हिसाब से सब आपको यहाँ पर लॉकर्स दिए गए। सबसे अच्छा आप ये टेक्सचर देखो, इन्होंने कितना कलरफुल चेस्ट टाइप का ये टेक्स्चर बना रखा है। बहुत डिटेल में आपको मैं टूर देने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कैप्सूल। ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसे लगे। थोड़ा आप इस तरफ चलेंगे, सबसे पहले इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप मिरर हो गया, यहाँ पर भी आप ये लॉकर्स देख सकते हो। बट एक सरप्राइजिंग है, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतने हॉस्टल्स में इंग्लैंड में रह चुका हूँ। देखो यहाँ पर आपको ये एसी का ऑप्शन दिया गया है, आई गेस दिस विल बी फॉर हीटर आप कह लो, ये ऑप्शन दिया गया है बिकॉज सो मैनी पीपल आर स्टेइंग एट द सेम प्लेस, तो शायद उन्होंने यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आप देखोगे आपको फर्स्ट क्लास सिटिंग एरिया दिया गया है, आप यहाँ पर बैठ के काम करना चाहें, फ्री वाईफाई आपको यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस, यहाँ पर बैठ के मैं आराम से एडिटिंग कर सकता हूँ। बाहर का एक बार आपको हल्का सा नज़ारा और दिखा दो, विंडो व्यू भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये हो गया, इस तरफ आगे चलेंगे टूर स्लोली एंड स्टडीली। अब तक मैंने इंडिया में आपको कैप्सूल रूम्स दिखाए थे, अब ये यूके का जो मेरे को मिला है आपको बता दूँ, दिस इज़ 16, ये मैंने लोअर लिया है, ये देखिएगा। इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे टूर बताऊँगा, अंदर आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह कैसा लगता है सब कुछ, आप खाली फ़िलहाल बाहर से देख लीजिए। इस तरफ भी लॉकर्स दिए गए हैं, ये सिटिंग, हल्का फुल्का सिटिंग एरिया यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हो गया, इस तरफ आप सोच रहे होगे वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम मैं आपको दिखा दूँ, इस तरफ आपको मिलेंगे वॉशरूम। ये हो गया, अटैच वॉशरूम का आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँ, इस तरफ देख लीजिएगा पूरा वॉशरूम का, वॉशरूम का टूर आपके लिए। सबसे अच्छी बात मेरे को जो ये लगी है लाइट्स का ना, लाइट्स जो इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं दैट इज़ टोटली ऑटोमेटिक। देखो जैसे आप एंटर करोगे, सेंसर्स हैं, जैसे आप एंटर करोगे तब लाइट्स ऑन होंगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इस तरफ देख लीजिएगा ये सब पूरा टूर, यहाँ पर नहाने का ऑप्शन हो गया,
ये वही गर्म पानी, ठंडा पानी, जैसा जैसा भी आप चाहें, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। वैसे यहाँ पर आपको गर्म पानी ही लगेगा, बिकॉज यहाँ कभी भी बारिश होती है, कभी भी ठंड होती है, कभी भी कुछ भी होता है। तो आपके लिए कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी एक देख लीजिए। मेरे हिसाब से अगर 26 लोग एक साथ रह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 वॉशरूम दिए गए हैं, आई डोंट नो ये चीज़ कैसे मैनेज होगी, बट ठीक है। फिलहाल अटैच्ड में आपके पास यही है। इस तरफ चलेंगे आगे यहाँ, तो आपको बता दूँ इस वाली प्रॉपर्टी में सिर्फ यही एक कैप्सूल रूम है, जिसमें हम, जैसा मैंने आपको बताया, टोटल 26 कैप्सूल्स। अगर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँ, ये ऊपर का कैप्सूल हो गया। कैप्सूल के फीचर्स तो खैर सबके सेम बिल्कुल एक ही होंगे। मैं देख रहा हूँ आपको कुछ और यहाँ पर दिखाने लगा, चार्जिंग पॉइंट वगैरह आप सब देखिए, सब चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेंगे, ये सब सबसे अच्छी बात है। लॉकर का, और प्लीज़ लॉकर के लिए अपना लॉक खुद कैरी कीजिएगा, अदरवाइज़ दे आर गोइंग टू चार्ज यू। अगर आप लॉकर यहाँ पर परचेज करोगे तो उसका भी चार्ज है, ध्यान रखिए। ये लंदन है, यहाँ पे हर चीज़ का चार्ज है। यस, तो आपको कैप्सूल टूर कैसा लगा ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब मैं आ चुका हूँ कैप्सूल के अंदर, अगर आप देखोगे, और यहाँ पर वन नाइट स्पेंड करना देखेंगे, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। कैप्सूल के अंदर आपको दिखाना तो बनता भाई, देखो लंदन आ रहे हो तो कुछ अलग तो करना बनता ना। तो टूर आप बस इतना सही है, इसमें मैं आपको क्या टूर दूँ, खाली छोटी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरफ देख लीजिएगा, ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दो दिए गए हैं, और प्लस यहाँ पर ये लाइट का पूरा इन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन का दे रखा है। देखो करंटली मैंने कैमरा की वजह से वाइट में कर रखा है, अगर आप चाहो तो ये देखो, ये यहाँ पे कलर ऑप्शंस है, ये रेड हो गया, एंड आई गेस दिस इज विल बी ब्लू। यस, ये आपका ब्लू हो गया। इसमें ये फ्रिक्वेंसी का है कि आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो कि कम करना चाहते हो, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए। अगर सिंपल है, बंद करना चाहते हो, तो मिडिल वाली बटन और ये सब हो जाएगा बंद। ये ऑन किया, अब मैंने वापस वाइट प्रेस किया और फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए दिस, तो यहाँ पर आपको ये चार्जिंग पॉइंट और आपको ये ऑप्शन दिया गया। कर्टेंस, सबसे अच्छी बात है कर्टेंस दी गई है, तो आपको प्रिवेसी भी मिलेगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान रखिएगा, एक कैप्सूल में एक ही पर्सन अलाउड है, नहीं तो लोग कमेंट करके पूछेंगे भैया दो आ सकते हैं क्या, दो आ सकते हैं क्या। मैं सब समझ रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं सब समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट भी हो गया, प्लस ये पिलो भी हो गई। बट ये पक्की बात है कि भाई ये हुडी पहन के यहाँ पर मेरे को नहीं लगता रात को भी हुडी की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ टी शर्ट पहन के यहाँ पर सोना पड़ेगा। ये देखो सिर्फ इतना सा कैप्सूल है, हाइट भी कितनी, 6 फीट का आदमी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एक मिनट, मेरी हाइट 6 फीट तो नहीं है, बट लेट मी ट्राई, एक मिनट ये ट्राई कर लेता हूँ। यस, मेरे हिसाब से 6 फीट आराम से आ जाएगा, दिस इज़ नाइस। अच्छा है, स्पेस वगैरह सब ठीक ठाक है। तो ये हो गया इंटीरियर। मैंने आपसे कहा ना, देखो वन टाइम एक्सपीरियंस ये चीज़ करनी ज़रूर चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कॉस्टिंग, कि भैया पैसा कितना लगेगा। आपको बता दूँ इस वाली प्रॉपर्टी का, कैप्सूल्स का, वीकडे का प्राइस अलग है, वीकेंड का प्राइस अलग है। जो मैंने पे किया है वो आपको बता दूँ, दैट इज़ £75 अराउंड फॉर वन नाइट, मतलब 7000 INR आप मान लीजिए। बट मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आप राइट टाइम बुक करोगे ना, मतलब अगर आप इसकी बुकिंग आप 15 डेज के बाद की करोगे, तो ये प्रॉपर्टी कैप्सूल सिर्फ £30 में अवेलेबल है, मतलब ₹3000 में वन बेड। मैं तो आपसे ये कहूँगा, अगर आप ट्रैवलर हो और आपको कुछ एडवेंचर करना पसंद है, ये वाली प्रॉपर्टी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरे प्राइस में फूड, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। ब्रेकफास्ट का ये लोग बता रहे थे, ब्रेकफास्ट का दे आर चार्जिंग £4 पर पर्सन। मेरे हिसाब से £4 इज़ अ वेरी गुड प्राइस, मतलब वेज नॉन वेज आपको दोनों ऑप्शन उसमें मिलेंगे। प्रॉपर्टी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप बुकिंग करना चाहें। सबसे अच्छी बात है, मैं क्या है, थोड़ा जल्दी आ गया ना चेक इन में, तो यहाँ पर शांति है और आराम से मैं व्लॉगिंग कर पाया, आपको मैं पूरा टूर दे पाया हूँ। पूरे 26 कैप्सूल्स हैं, हार्डली आई गेस 2 या 3 लोग अभी हैं, तभी मैं जा रहा हूँ कैप्सूल में। अभी सब एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ नया ट्राई करेंगे। देखो मैं पहले कैप्सूल्स में रह चुका हूँ, तो मेरे को पूरी तरह से आइडिया है, बट ये कुछ अलग है उसमें, तो देखते हैं। वो कि आप फिटनेस देखिए, कोई दोपहर को 3 बजे भाग रहा है, कोई रात को 3 बजे भाग रहा है। आई डबल डे, यहाँ पर लोगों का भागने का कोई टाइम ही नहीं। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टाटा, ठीक है।